RSI इंडिकेटर एंड उसकी स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता दूं। इंडिकेटर्स जो हैं वो जादू की तरह काम नहीं करते हैं कि आपने इंडिकेटर प्लेस किया, इंडिकेटर ने सिग्नल दिया, उसके बाद आपने एंट्री ली और उसके बाद आपको प्रॉफिट हो गया। इस तरह से काम नहीं करते हैं। इंडिकेटर्स को हमेशा हम और कन्फर्मेशन के साथ यूज करते हैं, जैसे कि प्राइस एक्शन या फिर कोई दूसरा इंडिकेटर। इंडिकेटर्स को लेकिन आप किसी भी एसेट क्लास में यूज कर सकते हैं, सिर्फ शेयर्स नहीं, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, कमोडिटी, किसी में भी आप यूज कर सकते हैं। तो अब आते हैं RSI पे। RSI इंडिकेटर क्या होता है और उसको प्लॉट कैसे करते हैं वो देखते हैं, और अब हम चलते हैं सीधे अपने चार्ट पे। तो हम आ गए हैं यहाँ पर अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे और प्लॉट करते हैं इंडिकेटर, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया हुआ है। यहाँ से आप सर्च करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मैंने ऑलरेडी फेवरेट करा हुआ है, नहीं तो आप टाइप करके इसको प्लॉट कर सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन के बॉटम पे आ गया है। इसमें जो है लाइंस बनी हुई है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जैसा दिखाई दे रहा है, ECG जैसा। इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं कुछ यूज करने के लिए। इसकी आप सेटिंग्स में जाएंगे, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, हाइड कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा, और ये जो व्हील बना हुआ है इस पे हम इसकी सेटिंग्स को देखेंगे और इसमें हमने क्या सेटिंग्स में चेंजेस क्या करने हैं। हमने ऊपर बोलिंजर बैंड और लोअर बोलिंजर बैंड को अनटिक कर देना है। अगर आपके ट्रेडिंग व्यू में अगर नहीं आ रहा है तो इसको एडजस्ट करने की नीड भी नहीं है। RSI बैकग्राउंड फिल, बोलिंजर बैंड बैकग्राउंड फिल को आप यहां से रिमूव कर सकते हैं। RSI बेस्ड मूविंग एवरेज, जो येलो कलर की लाइन आपको RSI के बीच में दिख रही है, इसको भी अभी हटा सकते हैं आप। इसका यूज और तरह से होता है लेकिन अभी इसकी नीड नहीं है तो हम इसको हटा देंगे। इनपुट्स में RSI की लेंथ जो होती है वो 14 डिफॉल्ट होती है और इसको आपने रहने देना है, और सेव एज डिफॉल्ट करके आप इसको ओके कर सकते हैं। ये जो है सेटिंग्स आपकी लग जाएंगी। इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 की लाइन है, 70 पे लाइन बनी हुई है और ये 30 पे लाइन बनी हुई है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं इसको ऊपर कर दूं कि वैल्यू जो है 0 to 100 है, 70 और 30 पे लाइन ड्रॉन है और एक 50 पे है, 50 यानी मिड रेंज होती है इसकी, और 70 और 30 जो है ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन कहा जाता है इसको। अगर ये 30 से नीचे आता है तो ये ओवरसोल्ड हो जाता है और 70 से ऊपर जाता है तो ये ओवरबॉट टेरिटरी मानी जाती है। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं इस रीजन को, अगर आप बाद में थोड़ा एडवांस हो जाते हैं, आपको समझ आने लग जाता है, तो उसके बाद आप इसकी सेटिंग्स को चेंज करके अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिशनली जो है जब ये ओवरबॉट जोन में चले जाता है तो माना जाता है कि जो प्राइस है उस वक्त उस एसेट का, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी है, अगर लोगों को एक्सपेंसिव लग रहा है तो वो उसका प्राइस जो है सपोज टू है कि ज़्यादा हो गया है तो अब इसको नीचे आना चाहिए। तो यहाँ से लोग क्या करते हैं, RSI ने ओवरबॉट जोन में चला गया तो ये सेल करेंगे, और अगर ओवरसोल्ड जोन में चले गया तो फिर बाय करने लगेंगे। ठीक है, तो ये ऑसिलेटर भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये ऑसिलेट करता है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, 0 to 100 ये ऑसिलेट करता रहता है उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। रिलेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ के कंपैरिजन में, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, किसी चीज़ के कंपैरेटिवली इसकी स्ट्रेंथ क्या है, उस मूवमेंट की स्ट्रेंथ क्या है वो बताता है ये। ठीक है, तो ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन का मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो मेथड है ये ट्रेडिशनल मेथड है RSI को यूज करने का, लेकिन अभी हम इसको इस तरह से यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कभी अगर मार्केट ट्रेंड कर रही है तो उस टाइम पे जो होता है RSI ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रीजन में काफी ज्यादा टाइम तक भी रह सकता है, तो हमारी जो एंट्रीज जो है वो गलत हो जाती हैं इस वजह से। तो इस तरह से हम यूज नहीं करेंगे। हमारी जो स्ट्रेटजी है इसमें हम डाइवर्जेंस का यूज करते हैं, RSI का डाइवर्जेंस जो है। डाइवर्जेंस में क्या होता है, जैसे कोई पर्टिकुलर ट्रेंड चल रहा है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 26 सितंबर से एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो एक ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है, प्राइस जो है एक लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह से प्राइस मूव करता है। अब जब प्राइस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाता है और उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती है, तो हम उसमें स्पॉट करते हैं एक RSI डाइवर्जेंस को, जो हमें एक रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी देता है। वो बताता है हमको कि प्राइस अब रिवर्स होने वाला है और उस प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं बची हुई है। यहाँ पर मैं आपको RSI डाइवर्जेंस एग्जांपल्स में आपको दिखाऊंगा, और हम सिर्फ RSI डाइवर्जेंस को नहीं यूज़ करेंगे, RSI के डाइवर्जेंस के साथ साथ हम प्राइस एक्शन को भी यूज़ करेंगे। प्राइस ऑल्दो लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है, लेकिन RSI जो है वो हायर लोज बनाना स्टार्ट कर देता है। देखिए यहाँ पर आपको एक लोअर लो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इन दो पॉइंट्स पे, इस पॉइंट से पॉइंट ए टू पॉइंट बी लोअर हाई बना हुआ है और लोअर लो बना हुआ है। अब इसी एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे देखिए, इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो RSI ने एट द सेम टाइम, देखिए इसी के करस्पॉन्डिंग जो है प्राइस जो है, इधर देखेंगे हम तो यहाँ पर एक ओवरसोल्ड जोन में गया हुआ है, और यहाँ पर हम अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस ये जो है एक हायर लो बना रहा है। ठीक है, ये ऑपोजिट हो रहा है। नॉर्मली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो RSI भी नीचे जाता है, सिमिलरली वैसे ही एक्शन होता है। जब ये डाइवर्जेंस, इसी चीज़ को डाइवर्जेंस कहा जाता है, जो अपोजिट एक्शन जो प्राइस के अपोजिट जो RSI दिखा रहा है, इसका मतलब इसमें स्ट्रेंथ वीकन हो रही है। ठीक है, हमने डाइवर्जेंस तो स्पॉट कर लिया। ठीक है, ये होता है डाइवर्जेंस को स्पॉट करना, और इस तरह से डाइवर्जेंस को स्पॉट करा जाता है चार्ट में। ठीक है, ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा प्राइस एक्शन। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका मतलब हमें क्या पता चल गया, इसको हम कोलैप्स कर सकते हैं, यहाँ पर से ये नीचे चला जाएगा, चार्ट बड़ा हो जाएगा।
इससे हमें इतना पता चल गया कि जो स्ट्रेंथ है डाउनवर्ड मूवमेंट की वो थोड़ा वीकन हो चुकी है। अब हम प्राइस एक्शन को देखेंगे। ट्रेंड लाइंस जो मैंने आपको ड्रॉ करनी बताई हुई है इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करी हुई थी, ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है एक डाउनवर्ड ट्रेंड में, ठीक है। एज सून एज जब प्राइस इसको ब्रेक करता है, इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड में ब्रेक करता है, तो हमारे पास क्या हो गया, एडिशनल कॉन्फर्मेशन हो गया एंटर करने के लिए। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे एंटर करेंगे जाके, हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ था, अब हम 5 मिनट में देखते हैं इंट्राडे के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ही इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, एक कैंडल जो ये ग्रीन कैंडल थी इसमें क्या देखिए, वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। इसमें आप वॉल्यूम को भी स्पॉट कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम भी बढ़ा तो इसका मतलब क्या है, हमको ट्रिपल कॉन्फर्मेशन हो गया। पहले RSI ने इसमें डाइवर्जेंस दिखाया था हमें, उसके बाद जो है ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही है और वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो रही है, तो यहाँ पर हम इजीली एक लॉन्ग एंट्री लॉन्ग पोजीशन बना सकते थे। तो ये आज का ही चार्ट है, अभी अगर हम आपने सुबह मॉर्निंग में इस पर ट्रेड लिया होता तो ये आपका अच्छा खासा आप प्रॉफिट बना लिया होता। ये एक स्ट्रैटेजी है, ये हमेशा काम नहीं करेगी हर स्ट्रैटेजी की तरह, हर इंडिकेटर की तरह। तो इस तरह से हाँ, आप अपने कॉन्फर्मेशंस को ऐड करके अपने स्ट्रैटेजी की जो सक्सेस रेट है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखा देता हूँ जो और चार्ट्स पे बने हुए। तो अभी हमने बैंक निफ्टी पे देखा, ठीक है। अब हम दूसरे चार्ट पे जाते हैं, इस पे भी आज ही ये स्पॉट करा हुआ है, ये देखिए आप। इसमें मैं RSI को ऊपर ले आता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट का चार्ट है, इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, ये लोअर लो बना हुआ है, ठीक है। यानी कि डाउन ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूस चल रहा है। अब सेम ट्रेंड लाइन आप सेम प्राइस के टाइम पीरियड पे RSI में ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो आप देखिए कितना क्लियर आपको डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है प्राइस के साथ टाटा पावर में बना हुआ है। ये आपने स्पॉट कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका डाउन ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा था अभी थोड़े कुछ दिनों से, ये बहुत दिनों से, ये थोड़ा बहुत इसमें स्ट्रेंथ वीक हो गई है, सेलर्स जो है वीक हो गए हैं। अब आप इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो आप देख सकते हैं जो एडिशनल आपको व्हाइट लाइंस दिख रही है, ये मेरे ऑलरेडी पहले से ड्रॉ करी हुई है, तो इनको आप ध्यान मत दीजिए। वैसे भी आप ये देखिए सपोर्ट के पास से ही रिवर्स हो रहा है, ये देखिए आप 5 मिनट के चार्ट को हमने जूम इन करके देख लिया, अब ये RSI डाइवर्जेंस बना हुआ था। तो आप मोस्ट रिसेंट जो है प्राइस एक्शन जो बना हुआ है उसके हिसाब से आप देख सकते हो, एक तो ये ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बनी हुई थी शॉर्ट पीरियड में, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे भी आप ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद आप कोई की लेवल देख सकते थे, ये है एक लेवल, अच्छा लेवल है जो सपोर्ट का पहले से बना हुआ है, ठीक है। ये दो लेवल्स हैं, अगर आप इसके ब्रेक पे लेते तो भी ठीक था, आप एंटर करते और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते। आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लेवल भी था इंपॉर्टेंट, जहाँ पर से प्राइस जो है दो बार बाउंस किया हुआ है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इस सपोर्ट पे भी आप समझ सकते थे कि अगर आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा ये, तो यहाँ पर आप बुक भी कर सकते थे अपना प्रॉफिट अगर यहाँ आपने एंटर करा होता तो। लेकिन जब इस लेवल का भी ब्रेक करेगा, और ये देखिए रिलेटिवली बड़ा हुआ है इसमें वॉल्यूम भी, और डाइवर्जेंस ऑलरेडी स्पॉटेड है, की लेवल को ये ब्रेक कर रहा है, इसके बाद यहाँ पर आप लॉन्ग एंट्री लेंगे, 1:2, 1:3 जितना भी आपने टारगेट लेना है उसके हिसाब से। तो इस तरह से हम जो है यूज़ करते हैं RSI इंडिकेटर का, और RSI के थ्रू जो स्ट्रैटेजी बनती है उसका, जिसका यूज़ करके एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी आप क्रिएट कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी में सक्सेस रेट का इशू कहीं पर भी नहीं रहता है, मेन इशू रहता है रिस्क मैनेजमेंट का, मेन इशू रहता है अपनी पोजीशन साइजिंग का। अगर आप लोन लेके आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको साइकोलॉजिकली इंपैक्ट करेगा वो, अगर आपके स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा होगा तो आप जल्दी बुक कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को, अगर वो टारगेट की तरफ भी जा रहा हो तो हम उसको जल्दी बुक कर लेते हैं, अगर हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर है पैसों का। तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर माइंड से अच्छी खासी कैपिटल के साथ अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करके आप फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा इन स्ट्रैटेजीज के थ्रू हो सकता है। आई होप प्राइस एक्शन और इन इंडिकेटर्स को कंबाइन कैसे करना है पिछले कुछ वीडियोस से आप इन चीज़ों को सीख पा रहे होंगे, और मैं आपके ट्रेडिंग जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो जिसमें फर्दर आपको मैं प्राइस एक्शन की और फर्दर एक स्ट्रैटेजी के साथ कैसे कंबाइन करा जाता है ये सब आपको समझाऊंगा। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस।